अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को अक्टूबर नवंबर में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेज़बानी का मौका मिला है, जिसमें एक मैच भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। धर्मशाला में पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होगा। यह विश्व कप का तीसरा मुकाबला होगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। धर्मशाला में तीसरा मैच 17 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और क्वालिफायर वन टीम के बीच होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। धर्मशाला में पांचवा और अंतिम मैच 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। धर्मशाला से निभजित निभी की रिपोर्ट। धर्मशाला प्रेस के सभी पत्रकार मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद। आपका हमेशा सहयोग मिलता रहा HPCA को। बड़े सफल 2 IPL के मैचेस हुए, उसमें भी आप सबका बेहतरीन योगदान रहा, उसके लिए भी हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। आज खास करके जो प्रेस वार्ता बुलाई है मित्रों, उसका कारण यही था कि आपके माध्यम से हम पूरे हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल के वासियों को बधाई दे सके कि पहली बार मौका आया है कि ODI वर्ल्ड कप जो ICC आयोजित करने जा रहा है और होस्ट इस बार इंडिया है, धर्मशाला को ये मैच इनकी मेजबानी करने का मौका मिला है। और मैं मानता हूं कि प्रदेश के लिए एक सुनहरा अवसर है। हिमाचल को पूरे विश्व में टूरिज्म प्रदेश के रूप में जाना जाता है, देवभूमि तो है ही, लेकिन हम कैसे इस खूबसूरत प्रदेश को पूरे विश्व के सामने ला सकें, ये हमारे पास बेहतरीन मौका है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि हिमाचल को 2 मैच मिलेंगे, 3 मैच मिलेंगे, कुछ अखबारों में खबरें भी छपी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जितने मैच चेन्नई या बेंगलोर जैसे सेंटर को मिलेंगे, उतने ही 5 मैचेस इस वर्ल्ड कप के हिमाचल को मिलने जा रहे हैं। और इस विश्व कप की 8 सबसे बड़ी जो टीमें हैं वो यहाँ पर मैच खेलेंगी, चाहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अभी जो क्वालिफाई करेगी टीम क्वालिफायर राउंड में उनमें से एक टीम, इंडिया का यहाँ पर मैच होगा, न्यूजीलैंड का मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, तो इन सब देशों के प्लेयर्स यहाँ आकर विश्व का जो सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है धर्मशाला में, न केवल उनको खेलने का मौका मिलेगा लेकिन इन सब टीम के फैंस इन सब देशों से आएंगे, उनका भी हिमाचल प्रदेश को मेजबानी करने का मौका मिलेगा। और मैं मानता हूं ये समय और अवसर इस प्रदेश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अवसर को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें ताकि न केवल धर्मशाला बल्कि पूरे हिमाचल को हम मार्केट पूरे विश्व में कर सकें, उसके लिए मैं मानता हूं कि हमारा प्रयास होना चाहिए। 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यहां पर मैच होंगे और जैसा आपको पता है 2-3 दिन पहले टीमें आ जाती हैं, 2-3 दिन बाद में जाती हैं, तो लगभग 1 महीने का समय, 1 महीने का अवसर हमारे पास है। जब हम पूरे विश्व के खेल प्रेमियों को, पूरे विश्व को, क्योंकि इसका ब्रॉडकास्ट 100-150 से ज़्यादा देशों में होना है इस वर्ल्ड कप का, हमारे पास मौका है अपने प्रदेश की खूबसूरती को पूरे विश्व में उसका परचम लहराया जा सके, ताकि हिमाचल के टूरिज्म को और पंख लग सके। सभी प्रदेश सरकारों ने आज तक प्रयास किए हैं लेकिन मैं मानता हूँ इससे बेहतरीन मौका नहीं है। और समय भी इतना बेहतरीन है कि कुल्लू का दशहरा भी उस समय है। आप ऐसा सर्किट डेवलप कर सकते हैं कि ना केवल धर्मशाला, आप डलहौजी, आप कुल्लू, मनाली, शिमला, हमीरपुर और जितने भी ज़िले हैं
उनके लिए एक मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए कि एक टास्क फोर्स ऐसी बने ताकि इस मौके का, इस अवसर का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो हमने सफ़र किया था कोविड के कारण और पहले भी, एक ऐसा हिमाचल हम पूरे विश्व को दिखाएं ताकि जो बेस्ट क्वालिटी हाई वैल्यू टूरिस्ट है उसके लिए हम इस प्रदेश को मार्केट कर सकें। उसके लिए जो भी प्रयास HPCA को करने हैं वो हमने तो एक साल पहले से ही लगभग शुरू कर दिए थे। आपने देखा है कि ग्राउंड को हमने पूरा रेनोवेट किया, पूरे स्टैंड को किया, पूरे कॉरपोरेट बॉक्सेस हमने नए कर दिए। और जो IPL के मैचेस हुए यहाँ पर, जो भी टीमें आकर यहाँ खेली, वो कहते कि इससे खूबसूरत ग्राउंड, इससे अच्छी ग्रास हमें इस पूरे टूर्नामेंट कहीं और नहीं मिली। तो जो SPCA का करने का काम है वो तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अवसर इस प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। किसी भी प्रदेश को वहाँ के जो नागरिक हैं उनके कारण भी जाना जाता है। तो हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है प्रदेश के नागरिक होने के नाते कि हम कैसे अपने व्यवहार से और अपनी मेहमान नवाजी से अपना जो बेस्ट है वो दे सकें, ताकि जो इस वर्ल्ड कप में पर्यटक एक बारी यहाँ आए वो बार बार ये मन बना के आए कि मुझे फिर धर्मशाला जाना है, कुल्लू जाना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है, डलहौजी जाना है, ताकि प्रदेश में जो टूरिज़्म का बढ़ावा मिल सके और टूरिज़्म इंडस्ट्री को हम एक नए रूप में पूरे विश्व में आगे कर सकें। इसी के लिए मैं चाहूँगा कि चाहे प्रदेश के नागरिक हों, प्रदेश की सरकार हो, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रदेश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी इस मामले में ऐसा सहयोग करें कि हम इस प्रदेश को, अपने खूबसूरत प्रदेश को पूरे विश्व के सामने इस मौके का बेहतरीन लाभ उठा सकें।